यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत नजर बनाए हुए है। भारत की ओर से यूक्रेन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इस बीच दिल्ली में विदेश मामलों पर संसद की सलाहकार समिति की बैठक हो रही है। जवाहर भवन में हो रही बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, आनंद शर्मा, राहुल गांधी सहित तमाम नेता उपस्थित हैं, जिनके साथ रक्षा मंत्री युद्ध क्षेत्र में फंसे अपनों के सुरक्षित वतन वापसी का प्लान साझा कर रहे हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन पर हमला होने के बाद भारत ने 26 फरवरी से युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने करीब 14,000 नागरिकों को निकालने के लिए निकासी अभियान की शुरुआत की थी। यूक्रेन मामले पर सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई और ये बैठक विदेश मंत्रालय के अंदर की गई। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस बैठक में आपको बता दें कि पीछे विदेश मंत्रालय है और इस विदेश मंत्रालय में विदेश मामले पर संसद सलाहकार की समिति की बैठक बुलाई गई और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से समिति के सदस्यों को यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने के बारे में जानकारी दी गई विदेश मंत्री द्वारा और उम्मीद ये जताई गई कि ऑपरेशन गंगा के तहत निकासी अभियान प्रगति और युद्धग्रस्त जो देश है उसमें फंसे हुए बाकी भारतीयों को जल्द से जल्द एयरलिफ्ट किया जाए और कैसे किया जाए उससे लेकर ये कदम इस किस तरीके से उठाए जाएंगे उसे लेकर आज इस बैठक में चर्चा की गई। और उसके साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में विदेश मंत्री के साथ ही तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इस बैठक में शामिल रहे और यूक्रेन जो कि एक युद्धग्रस्त देश है उसमें कैसे भारतीय छात्रों को निकाला जाए, नागरिक छात्रों को निकाला जाए उसे लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और ये बैठक 3 घंटे तक चली। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब ये सलाहकार समिति की बैठक हुई है तो अब जो तमाम छात्र जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द कैसे निकाला जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV।